नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तोता परी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मीटू कैंपेन से जुड़ी। मीटू कैंपेन में एक ईवीएम मशीन ने बीजेपी नेता पर छिड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़ित ईवीएम मशीन का नाम हसीना आर्य पारकर बताया जा रहा है। ईवीएम मशीन कहना है कि पिछले साल यूपी चुनावों से एक दिन पहले बीजेपी नेता ने अकेले देखकर उसके साथ छिड़खानी की थी, जिसके बाद वो हमेशा के लिए बीजेपी की हो गई। इस मामले में हमने कुछ देर पहले पीड़ित ईवीएम हसीना आर्य पारकर से फोन पर बात की। उसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। जब से बीजेपी नेता ने मुझे छेड़ा है, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। लोग चाहे मुझे कहीं से भी दबाएं, मैं वोट बीजेपी को ही देती हूँ। वहीं हसीना आर्य पारकर के बाद गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड की कुछ और ईवीएम्स ने बीजेपी नेताओं पर खुद से छेड़खानी के इल्जाम लगाए हैं। इस बारे में जब हमने बीजेपी नेता संबित दया का पात्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास पक्की जानकारी है कि कुछ पाकिस्तानी हैकर्स ने इन मशीनों के सर्वर के साथ छेड़खानी की है, जिसके बाद वो मेरी तरह ऊटपटांग बयान दे रही हैं। दया का पात्रा ने इन मशीनों को देशद्रोही करार देते हुए उन्हें ब्यास नदी में बहाकर पाकिस्तान भेज देने की भी मांग की। नमस्ते बिस्कुट खा। वही छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर की वोटिंग के दौरान उस समय हर कंप मच गया जब एक ईवीएम मशीन से अचानक सोना निकालने लगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता कच्ची काली के पास। कच्ची, ये क्या बसूरी है? तोता, आपको बता दूं कि जिस जगह ये चुनाव हो रहा था वहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा था। इस निर्दलीय का चुनाव चिन्ह आलू था। इसे वोट देने के लिए जैसे ही एक आदमी ने आलू का बटन दबाया, उसी वक्त मशीन की दूसरी तरफ से सोना निकलने लगा। सोना निकलता देख पूरे पोलिंग बूथ में राहुल गांधी की जयकार के नारे लगने लगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। झनकारों का मानना है कि राहुल बाबा आलू से सोना बनाने वाले जिस मशीन की बात कर रहे थे वो यही ईवीएम मशीन है। ऐसे करके उन्होंने बीजेपी को धमकी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आपने चुनाव निशान आलू रख लिया तो सोने के लालच में आम आदमी तो क्या, बीजेपी के नेता भी कांग्रेस को वोट डाल देंगे। वहीं राहुल गांधी की इस धमकी के बाद बीजेपी बेहद घबरा गई है। पार्टी ने ईवीएम मशीन पर राहुल गांधी के सवालों से बचने के लिए ईवीएम का नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलकर आणविक मतदान यंत्र रख दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने राफेल फाइटर जेट का भी नाम बदलकर भीषणतम बम वर्षक लड़ाकू अग्नियान रख दिया है। पार्टी का कहना है कि जब तक राहुल बाबा ईवीएम और राफेल जेट को उनके बदले नामों से नहीं बुलाएंगे, तब तक पार्टी इन मामलों पर उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी। विश्व रया विश्व रया।